डुमरी झारखंड में एक ओर जहां मूल निवासियों के हक को छीना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कमजोर नेतृत्व क्षमता के कारण पूरे राज्य में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है। यह कहना है क्षेत्र के युवा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता रोहित शर्मा का। शर्मा ने कहा कि भाषाई आंदोलन व वारही में हुई मॉब लिंचिंग को दबाने के लिए सरकार काफी इंटरनेट सेवा बाधित कर देती है तो कभी निषेधाज्ञा लागू करवा देती है, परंतु इतिहास गवाह है जब भी किसी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए अनावश्यक वंदिसे लगाई हैं, उसका परिणाम प्रतिकूल आया। कहा कि उद्देश्य व सपनों के लिए झारखंड अलग हुआ वह आज भी अधूरा है। कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव पूर्व जितनी भी लोक लुभावन घोषणाएं की थी वह सिर्फ कागजी घोषणा बनकर रह गई हैं। आज झारखंड अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा कि अस्मिता एवं भाषा की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। कहा कि बरही में हुई मॉब लिंचिंग मौत से झारखंड का नाम पूरे विश्व में झुका है। डुमरी से वेद प्रकाश पाठक की रिपोर्ट, न्यूज लाइव 18। बहुत ही दर्दनाक कांड हुआ है, इसमें सरकार को एकदम नीचे स्तर से लेना चाहिए और शासक इसमें तुरंत अविलंब कार्रवाई करना चाहिए और ऐसा कांड को तत्काल जो कांड किया उन लोग अविलंब फांसी देना चाहिए। और भाषा संघर्ष समिति जो हमारे अभी झारखंड में चल रहा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी झारखंडियों से कि भाषा बदल देने से हमारा 1932 नहीं बदल जाएगा। हमारे यहाँ का जो हमारे झारखंड में अभी तत्काल में देखिए कि रांची, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गोड्डा और धनबाद केवल बिहार का ही बिहारी संसद है। बिहार का लोग यहाँ आके अपना सत्ता बचाए हैं, सांसद हैं। और रह गई विधायक की बात तो हमारे झारखंड में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, हटिया, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बेरमो और झरिया में भी केवल बिहारी विधायक हैं। तो हमको लगता है हेमंत सोरेन ये सब अभी कांड को देख नहीं रहे हैं, केवल अपना सत्ता का लालच उनके अंदर, उस सत्ता बचाना चाहते हैं। तो हम सभी झारखंड में जितने भी विधायक अदर बिहारी छोड़ के जितने भी अदर विधायक हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसे सरकार को धक्का मार के गिरा देना चाहिए। इसको राज्य की पहिया चलाने नहीं आ रहा, केवल राज्य को शोषण कर रहा है, लूट रहा है। ये सबसे नीचे स्तर का सरकार है। इसके पूर्व में भी सरकार बना था हमारे माननीय रघुवर दास जी का, सुचारू रूप से चला और ये उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है। ये सरकार कोई लाइफ नहीं है। और 1932 हम लोग का तभी आएगा जब हम करीब करीब 15-16 विधायक और सांसद हमारे झारखंड में केवल और केवल बिहारी हैं। उन लोग को अगर हम हटा दें, उन लोग को अगर हम सत्ता से हटा दें, जब सत्ता झारखंडी के हाथ में होगा तो 1932 लागू होने में हमें देरी नहीं लगेगा। हमारा भाषा बदल हमारे भाषा को राज्य के दर्जा मिलने में तनिक देरी नहीं लगेगा। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी विधायक से जो झारखंड का है, सभी विधायक से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार को गिरा दी जाए। क्योंकि बरही का कांड हम लोग देख करके युवा अपने आप में सेफ्टी महसूस नहीं कर रहा। युवा को रोजगार देना सरकार का पहला जो एक काम था कि वादा किया था हम युवा को रोजगार देंगे, 3.25 लाख का आवास देंगे, केवल और केवल झूठ है। झूठे वादा करके झूठ सपना, हवाई सपना दिखा के सरकार अपना वोट लिया और सत्ता बनाया। लेकिन अब हम लोग भी सभी युवा अपने आप में महसूस कर रहा है कि सरकार को गिराना चाहिए। और जो बरकट्ठा में जो कांड हुआ है उसको न्याय दिलाना चाहिए। बरही में जो कांड हुआ